भाई कैसे हो मेरे फुटबॉल के चाहने वालों। ये वीडियो ना थोड़ा सा लेड बैक टाइप की है, मतलब मैं आराम से समझो कि तुम मेरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, ऐसे 1v1 कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। ऐसे तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, अपन आपस में बात कर रहे हैं। तो ना आज की वीडियो में मेरे को पता नहीं ऐसा बहुत मन कर रहा है, ये जो दो नई साइनिंग्स हो रही है ना बार्सिलोना की, विक्टर रोग और मिखेल फाई, इन दोनों के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दीज साइनिंग्स। क्योंकि इफ़ यू टॉक अबाउट रियल मैड्रिड, ठीक है, जैसे रियल मैड्रिड में भाई अगर हम थोड़ा पीछे जाएँ लेजेंड्स के बारे में बात कर लें, तो सबसे बड़ा लेजेंड ऑब्वियसली रियल मैड्रिड का इस जनरेशन का तो पर्टिकुलरली क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। दे डिड नॉट मेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, दे बॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये जो रिकॉर्ड रहा है ना रियल मैड्रिड का कि बड़े प्लेयर्स को ला करके चलाना, जिसमें रियल मैड्रिड का डीएनए है, तुम समझ सकते हो, देर वॉज अ रीजन वाई देवर कॉल्ड गैलेक्टिकोस, है ना, ये बड़े बड़े प्लेयर्स को बुला करके उनको चला लेते थे यार। रिसेंटली हजार्ड का अगर मैं एग्जांपल ना लूँ तो हजार्ड तो खुद के चक्कर में और इंजरीज के चक्कर में फेल हुआ, बाकी बड़े प्लेयर्स चलते थे इनपे। हमारा रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है, उनका हजार्ड अगर फेल्ड हुआ है तो हमारा बहुत सारे प्लेयर फेल हुए हैं, जैसे उस्मान डेम्बेले हो गया, हमारा ग्रीज़मान हो गया, हमारा फिलिपे कोटिन्हो हो गया, दीज ऑल आर 100+ की साइनिंग्स एंड एवरीबडी फेल्ड एट एफसी बार्सिलोना। रिसेंटली आप कह सकते हो अच्छा हुआ बार्सिलोना के साथ कि हमारे फाइनेंशियल इश्यूज थोड़े से बढ़ गए एंड वी नीड टू रिलाई अपॉन दीज यंगस्टर्स, जैसे पेद्री हो गया, अराउओ हो गया, गावी हो गया, अलेक्जेंड्रो बाल्दे हो गया, और ये यंगस्टर्स को जब मौका मिला तो इन लोग काफी अच्छे नजर आ गए हमको। अब तुम इमेजिन करो अगर बार्सिलोना के पास ऐसे बहुत पैसा रहता, लाइक अभी 200-300 मिलियन की साइनिंग कर लेती बार्सिलोना, तो क्या अपन को अलेक्जेंड्रो बाल्दे देखने को मिलता? ऑब्वियसली नॉट। वो जाकर किसी यंगस्टर को खरीदा दे जो बहुत ऐसे लंबा चौड़ा चल रहा है, जैसे रियल मैड्रिड करी ना, च्वामिनी कामाविंगा, हमारा ये अपना जूड बेलिंगम अभी रिसेंटली हो गया, विनिशियस जूनियर को भी इन लोग खरीदे जाकर के, बिकॉज दे हैड द फंड्स, वी डिड नॉट हैव एनी फंड्स राइट नाउ, एंड इसी के चलते हम हमारे यंगस्टर्स के ऊपर जो है वो रिलाई कर गए, और अपन को ये यंगस्टर्स काफी अच्छे नजर होते हुए आए भी। अब यही आप कह सकते हो अलग लेवल पे जा रहा है, नाउ वी हैव ऐसे बहुत लिमिटेड फंड्स और हमको बहुत सोच समझ के जो है वो साइनिंग करनी पड़ रही है, और इस सोच समझ के साइनिंग पे बार्सिलोना जो है वो अब दो प्लेयर को लेकर के आ रही है, एक है हमारा विक्टर रोग और एक है हमारा मिखेल फाई। ये दोनों की साइनिंग्स ऐसी साइनिंग्स हैं जो एज अ बार्सा फैन तुमको बहुत ज़्यादा एक्साइट करनी चाहिए और कर भी रही है, मेरे को पर्टिकुलरली यार। इफ़ आई टॉक अबाउट विक्टर रोग, ठीक है, विक्टर रोग एक ऐसा प्लेयर है जिसके लिए ब्राज़ील में इतना हाइप है कि मैं तुमको क्या बताऊँ, जितना हाइप एंड्रिक का है ना उतना ही हाइप विक्टर रोग का भी है। अब अगर मैं स्टैट्स के बारे में बात कर लूँ, 25 गेम खेला है, 10 गोल 3 असिस्ट मारा है। यू माइट से कि यार ये स्टैट उतना अमेजिंग नहीं है आशीष भाई, कि 25 गेम्स खेल करके 20 गोल मार दे, 10 असिस्ट मार दे, इतना अमेजिंग स्टैट नहीं है। और हेंड्रिक टाइप उतनी हाइप नहीं है, हेंड्रिक की बहुत ज़्यादा हाइप है, उतनी विक्टर रोग की नहीं है, बट दिस अ डिफरेंस बिटवीन विक्टर रोग एंड हेंड्रिक। हेंड्रिक प्लेस फॉर दी टॉप क्लब इन ब्राज़ील, उसके क्लब में इतने सारे प्लेयर हैं बड़े बड़े कि उसको उतना गेम टाइम मिलता ही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड विक्टर रोग प्लेस फॉर अ स्मॉल क्लब इन ब्राज़ील, वो हर एक गेम वहाँ पर खेलता है, प्लस ब्राज़ील के नेशनल टीम में भी वो हमको खेलते हुए नज़र आया है, जो अंडर 20 की टीम्स रहती हैं, केवल 18 साल का है यार। और जब तुम इसका गेम प्ले देखोगे ना, उसका प्लेयर प्रोफाइल इज क्वाइट सिमिलर टू लुइस सुआरेस एंड अगुएरो। अगर लुइस सुआरेस और अगुएरो का बच्चा होता तो वो विक्टर रोग होता। देयर वाज अ रीजन व्हाई लुइस सुआरेस सक्सेडेड एफसी बार्सिलोना, देयर वाज अ रीजन व्हाई अगुएरो वाज साइंड इन ऑर्डर टू रिप्लेस लुइस सुआरेस, क्योंकि इन दोनों के प्लेयर प्रोफाइल के टाइप ही प्लेयर जो है वो बार्सिलोना में चलेंगे, और वही विक्टर रोग तुमको देगा। 18 साल का प्लेयर है, वो पेस है, वो विजन है, वो क्वालिटी है, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स शॉट लेकर के गोल मारना है, विक्टर रोग हैज इट। वो भाई साहब पासेस और असिस्ट देना है, ही हैज दैट। वो चाहे तुमको आउटसाइड ऑफ द बॉक्स तुमको एज ए लिंक अप प्ले करना है, ही हैज दैट। तो वो सभी चीजें जो हमको चाहिए वो विक्टर रोग के पास है। 18 साल का प्लेयर है, जो सीलिंग ये लेकर के चल रहा है वो इनक्रेडिबल है। नाउ द ट्रांसफर मनी विच बार्सिलोना इज गिविंग विक्टर रोग की क्लब इज ओनली 40 मिलियन, लाइक मैक्स वो 40 मिलियन जाएगा, 30 मिलियन की बात चल रही है यार। 40 मिलियन में विक्टर रोग जैसा स्ट्राइकर आ जाना इज अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट फॉर एफसी बार्सिलोना। इफ वी टॉक अबाउट एंड्रिक तो यार अभी बच्चा है, 17 साल का ही है, वो अलाउड भी नहीं है यूरोप में खेलने के लिए, और उसके लिए रियल मैड्रिड ने 76 मिलियन दे दिया है। द सीलिंग, इफ वी टॉक अबाउट एंड्रिक की सीलिंग और विक्टर रोग की सीलिंग, थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन उस डिफरेंस को विक्टर रोग आराम से जो है वो कवर कर लेगा अगर वो हार्ड वर्क करेगा। तो तुम देखना हाइलाइट्स की वीडियो यार, तुम खुद इंटरेस्टेड हो जाओगे, तुम खुद बावले हो जाओगे इस प्लेयर के लिए। और एक
एक एक ये कह सकते हो सिमिलैरिटी बिटवीन विक्टर रोग एंड अपना ये मिखेल फाई इस, ये दोनों प्लेयर को जैसे ही पता चला ना कि बार्सोना इज इंटरेस्टेड इन साइनिंग देम, भाई ये दोनों ने सभी क्लब्स जितने भी इंटरेस्टेड थे सबको मना कर दिया। इंग्लिश क्लब से भाई विक्टर रोग के लिए बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े क्लब्स आ रहे थे। विक्टर रोग ने अपने एजेंट को मना कर दिया, बोला तू केवल बार्सोना से जो है वो बात कर। मेरे को पता है कि भाई बार्सोना हो सकता है मेरे को रिचर ना कर पाए, बट आई ओनली एंड ओनली वॉन्ट टू गो टू एफसी बार्सोना, दैट्स इट। इतना बड़ा गूदा रखने का ना हिम्मत चाहिए यार ऐसे यंगस्टर प्लेयर को, और वो कर रहा है। इफ आई टॉक अबाउट सम ऑफ द लेजेंड्स, यू नो, जो बात करते हैं इसके बारे में, देयर इज स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ ब्राजील हु टॉक्स अबाउट विक्टर रोग, गुस्ताफो गोरोसी, वो ये बोलता है कि विक्टर रोग इज द ओनली प्लेयर हु कैन ट्रूली बिकम द न्यू रोनाल्डो नजीरियो। He has everything Ronaldo had, speed, technique, finishing ability and a winning character. And this is coming from the sporting director of Brazil. इसने जो sporting director है ब्राज़ील का, इसने इतने सारे player देखे होंगे अभी, इतने सारे Brazilian देखे होंगे, और वो इसी एक बंदे को Ronaldo Nazario से compare कर रहा है। There's a reason behind it ना यार। तो ये बंदा बहुत कमाल का है। I'm really excited about this signing. बहुत कम पैसों पे एक ऐसा प्लेयर आ रहा है जिसके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं कि मैं तुमको क्या बताऊं। खैर, अगर मैं बात कर लूँ अपने दूसरे साइनिंग की, और वो होगा मिखेल फाई। भाई तुम इसकी स्टोरी सुन लोगे तुम समझ जाओगे ये बंदा क्या है, तो मैं डायरेक्ट इसकी स्टोरी तुमको सुनाता हूँ, ठीक है। सो मिखेल फाई के लिए, मैनी बिग क्लब्स वर फॉलोइंग मिखेल फाई आफ्टर द 2019 वर्ल्ड कप अंडर 17 वाला, और वो अंडर 17 का वर्ल्ड कप तब खेल रहा था जब वो 15 साल का था केवल, ठीक है। बहुत सारे क्लब उसको फॉलो कर रहे थे, दी क्लब्स वर चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, लाइप्ज़िग, मिलान, डॉर्टमुंड। लेकिन जैसे ही सिनेरियो पे एफसी बार्सोना आई, उसने अपने एजेंट को बिडिंग वॉर में घुसने से मना कर दिया, बोला कि सारे क्लब्स जाएं भाड़ में, मेरे को केवल एफसी बार्सोना को ज्वाइन करना है। अब ये क्लब्स मैं तुमको बता रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। चेल्सी एक ऐसी क्लब जो अभी यंगस्टर्स को साइन करके बन रही है फ्यूचर के लिए, एंड एवरीबॉडी नोज दैट फ्यूचर चेल्सी का बहुत सिक्योर होने वाला है, दे विल श्योरली गो अहेड एंड विन ट्रॉफीज। मैनचेस्टर सिटी अभी ट्रेबल जीती है, दे आर नोन टू भाई साहब बिल्ड प्लेयर्स, पेप गार्डियोला। लाइप्ज़िग एक ऐसा क्लब जहाँ पे जा करके प्लेयर्स बनते हैं। मिलान एक हिस्टोरिक क्लब जहाँ की सिनेरियो अब इम्प्रूव होते नजर आ रही है। एंड डॉर्टमुंड जो नोटोरियस है छोटे प्लेयर्स को खरीद करके उनको बड़े क्लब्स में बेचने की, उनके करियर बनाने की। ये इतने सारे क्लब्स को मना करा और अपने एजेंट को बोला केवल बार्सोना के लिए बात कर। हाई ही इवन डिड नॉट आस्क्ड एफसी बार्सोना टू इम्प्रूव देयर ऑफर, वो तुरंत अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एज सून एज ही केम टू नो कि भाई बार्सोना ने जो है वो उसको अप्रोच किया है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है साइन कर लिया, उसने ऑफर तक इंक्रीज करने के लिए नहीं बोला, उसने थैंक बोला जॉन लापोर्टा को, मैथ्यू एलमेनी को, डेको को कि उसकी चाइल्डहुड ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको। जब उसके लिए घर खोजने गए ना बार्सिलोना में, ही सेड कि मैं जो बार्सिलोना का ट्रेनिंग ग्राउंड है ना उसी के पास रहूँगा, मैं दूर जा नहीं रहूँगा, मेरे को वहीं पर रहना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू दैट ट्रेनिंग की भाई साहब सेंटर ऑन फुट। मेरे को ना कार चाहिए, मेरे को बाइसिकल नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं पैदल पैदल वो ट्रेनिंग सेंटर जाना चाहता हूँ डेली, और अपने हार्ड वर्क से शावी को जो है वो इम्प्रेस करना चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट टीम डायनेमिक्स में फिट हो जाऊंगा बहुत इजीली। अब भाई चावी को वो ज्वाइन करेगा 10 जुलाई को उसकी ट्रेनिंग में जो है वो प्री सीजन के, भाई साहब ज्वाइन करेगा शावी के साथ, और फिर शावी डिसाइड करेंगे कि वो यूएसए जाएगा कि नहीं जाएगा प्री सीजन के टूर पे। लेकिन अगर मैं रिपोर्ट्स की मान लूं तो जो हमारे स्काउट्स गए थे ना इसको देखने के लिए, दे वर स्पीचलेस व्हेन दे सॉ हिम प्लेइंग। भाई दे सॉ हिम प्लेइंग, दे सेड कि ये बंदा कमाल का है, इसके टाइप का टैलेंट हमको मिलेगा नहीं। बॉल कंट्रोल, पेस, एक डिफेंडर के अंदर पेस नहीं होता है वो इसके अंदर था, बॉल कंट्रोल था, पासिंग थी, और एरियल भाई साहब सुप्रीमेसी थी इस बंदे के अंदर। भाई कमाल का बंदा है 18 साल का ये डिफेंडर, और देयर इज अ रीजन व्हाई इस 18 साल के सेनेगल के डिफेंडर के लिए बार्सिलोना ने 5 मिलियन दे दिया है। भाई इतने यंगस्टर को 5 मिलियन के लिए नहीं खरीदते हैं, लेकिन बार्सिलोना दी है क्योंकि इसके अंदर वो क्वालिटी है। अब कैसे इन लोग नजर आएंगे ये देखने वाली बात होगी बार्सिलोना में। लेकिन इन दोनों प्लेयर के बारे में एक चीज जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है, और वो ये है कि ये दोनों प्लेयर को पता है कि बार्सिलोना शायद उनको रजिस्टर ना कर पाए। बोथ ऑफ द प्लेयर्स नोज दिस, बट वो ट्रस्ट पे जी आ रहे हैं बार्सिलोना कि भाई कोई बात नहीं, हमको ट्रस्ट है आपके ऊपर, आप कर लोगे। बार्सिलोना ने गारंटी दिया कि हाँ यार हम कर लेंगे आपको, आप टेंशन मत लो। इन लोग ये नहीं हुआ कि यार अगर आप नहीं कर पाए तो, अगर आप नहीं हुआ तो,
तो कैसे करेंगे हम लोग तो यंगस्टर है, हमारा करियर तो डूब जाएगा, ऐसा वैसा ये वो। कोई डबल थॉट नहीं भाई, बार्सिलोना आई, सभी क्लब्स को मना कर दिया और वो बार्सिलोना को ज्वाइन करने के लिए आ गए। ये डेडिकेशन चाहिए यंगस्टर्स के द्वारा, और ये डेडिकेशन इन दोनों प्लेयर के अंदर है, और इसीलिए मैं इन दोनों प्लेयर्स के लिए ना इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं तुमको क्या ही बताऊँ। दोनों प्लेयर्स के अंदर वो क्वालिटी है, दोनों प्लेयर्स के अंदर वो विल है, दोनों प्लेयर्स के अंदर वो डेडिकेशन है जो बार्सिलोना में चाहिए सक्सीड करने के लिए, और टैलेंट तो कूट कूट के। तो ऑन द अदर हैंड वेयर रियल मैड्रिड इज साइनिंग दिस यंगस्टर्स फॉर 100+ मिलियन, वी आर साइनिंग दिस टू यंगस्टर्स फॉर, दोनों की अगर मैं साइनिंग को मिला लूँ तो वो भाई 45 मिलियन होने वाला है। और जो टैलेंट और जो भाई साहब गूदा है इन दोनों प्लेयर्स के अंदर ना, और जो डेडिकेशन है बार्सिलोना के लिए खेलने के, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम क्वाइट मच एक्साइटेड टू सी दिस टू प्लेयर्स वेयरिंग ब्लाउग्राना एंड भाई साहब डूइंग इट फॉर एफसी बार्सिलोना। चलो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जैसे शेयर टेक रिपीज जहन वंदे मातरम। सॉरी फॉर दिस वीडियो, लाइक ऐसे दोस्ती दोस्ती यारी यारी टाइप बात करती है, लेकिन मजा आता है ऐसे वीडियोज भी बना दीजिए। चलो बाय।